अगले सवाल देखिए, कह रहा है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यदि दोनों की आयु का योगफल 45 है तो पिता की आयु कितने वर्ष है। देखिए, पिता और पुत्र की आयु का योग कह रहा है 4 गुनी है, तो मान लीजिए कि पुत्र की आयु क्या है, यक्ष वर्ष है, जो बाद में दिया उसको पहले मान लीजिए, तो पिता कितना होगा, जब 4 गुना है तो पिता इनसे 4 गुना होगा, 4x होगा। ठीक, गुना कहे तो आप गुणा कर दीजिए, अधिक कहे तो जोड़ दीजिए, कम कहे तो घटा दीजिए। फिर कह रहा है दोनों की आयु का योगफल, मतलब कि यक्ष और 4x दोनों को जोड़ने पर 45 आ रहा है, क्या कह रहा है, 45 है, तो पिता की आयु पूछ रहा है, तो 4 कितना होगा, 5x बराबर क्या हो गया, 45, तो 5 का 5, 5 9 45, यक्ष बराबर क्या आ गया, 9, और हमको पिता की आयु पूछ रहा है, तो यहाँ 9 से गुणा कर देंगे, यानी 4x है तो यक्ष का मान 9 है, 9 चौक 36, यानी पिता की आयु 36 वर्ष है। आपका दूसरा विकल्प सही है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल चलिए देखते अगले हैं। सवाल देखते हैं। एक आदमी 560 में एक गाय खरीदता है, उसे 15% लाभ पर बेच देता है, विक्रय मूल्य बताइए। देखिए, यहाँ पर सवाले बहुत दमदार हैं, और अगर आप सेट कर लिए ना तो मज़ा आ जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो लेवल पढ़ा रहा हूँ बहुत टफ लेवल है, अगर इसको आप कर लिए तो नवोदय तो वैसे पार है, और लगभग लगभग ये सवाले हमने कई परीक्षाओं में देखा, जैसे SSC, बैंक, रेलवे, उसमें भी इसी प्रकार के सवाल आती है, तो अगर जो तैयारी कर रहे हो तो वो भी सवाल देख सकते हैं, इसमें उनको काफ़ी ट्रिक मिल जाएगी और उनको सवाल हल करने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए देखते हैं, 58 यानी जो अगली सवाल है, तो कह रहा है कि एक आदमी 560 रुपये में गाय खरीदता है और 15% लाभ पर बेच देता है, तो हम 560 का 15% निकालेंगे, लाभ कितना हुआ। ठीक, यहाँ 0 से 0 कट गया, 5 2 10, 5 3 15, 2 1 9 2, 2 2 4, 2 8 16, 560 लिखेंगे प्लस इसको जोड़ेंगे, 28 3 कितना होता है, 3 8 24, और 3 4 12, 12 2 14, सॉरी 3 8 24, 3 2 6 6 2 8 होता है, जोड़ लीजिए, 4 8 6 14, 5 1 6 644 रुपया। अगले सवाल देखेंगे हम। देखिए, इस प्रकार की सवाल आपको लगभग ये चौथी सवाल मिल रही है, हर सेट में ये सवाल जरूर आती है, ध्यान से इसको देखिए। कह रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ का योग समान हो तो यक्ष वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। आपको बताया हूँ कि जब इस प्रकार सवाल आएगी तो इसमें जरूर एक संख्या पूरी तरह से दी रहेगी, उसको जोड़ना है, उसके बाद अपना काम तो हो ही जाएगा। 6 3 9, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13, कितना हो गया, 13। अब ऊपर ऊपर ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे ऐसे कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा कहें, 8 3 11, इसी 13 में 11 घटाएंगे, जितना है वो यक्ष का मान हो जाएगा, 2। ठीक, अब देखिए, 7 6 13, और 13 में 11 घटाएंगे, सॉरी 7 6 13, 13 में हम 13 घटाएंगे, कितना आएगा, 0, तो यानी वाई का मान 0 हो गया। ठीक, जो एक बार इसको जोड़ लिए उसी में आपको घटाना है, जो जो यहाँ पर जोड़ने पर आएगा। ठीक, वही संख्या फिर लिखिए, माइनस इसको जोड़िए, 5 4 9, 13 में 9 घटाइए 4, यानी जेड का मान 4 आ गया, 2 0 4 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगली सवाल देखते देखिए, हैं। कह रहा है अगली सवाल, 650 रुपये में किसी वस्तु को खरीद कर 50 रुपये खर्च कर दिए उसकी मरम्मत में, तो वस्तु को किस दाम पर बेचा जाए कि 15% लाभ हो। देखिए, खरीदा है 650 रुपये में, 50 रुपये मरम्मत पे लगा रहा है, तो हो जाएगा 700 रुपये ये क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ खरीद कर ला रहे हो, साइकिल पुरानी पुरानी साइकिल आपने कितने में खरीदी, मान लीजिए 650 रुपये में खरीदा, और उसमें 50 रुपये आप बनवाए, उसका रिम जो भी है, टेढ़ मान लीजिए कुछ भी है, पंचर है, उसको बनवाए आप, सही कराए, तो आप कुल मिलाकर जोड़ कर बताएंगे ना कि भैया 50 रुपया खर्चा पड़ गया और 650 रुपये के ये खरीदा हमने, तो मतलब 700 रुपये का आपने कुल बताएंगे कि भैया हमारी साइकिल 700 रुपये की पड़ी है। तो पूछ रहा है कि उसे किस दाम पर बेचे कि 15% का लाभ हो, लाभ कह रहा है कि किस दाम पर बेचे कि उसे 15% लाभ हो, तो विक्रय मूल्य बराबर आप चाहे सूत लगाइए, चाहे 700 लिखिए, और 700 का 15% इसमें जोड़ दीजिए कि 15% कितना होगा, जो लाभ हो जाएगा वही उत्तर है, 0 से 0 कट गया, तो क्या हुआ, 700 प्लस 15 = 105, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 805 रुपया,
₹805 पर बेचेगा तो उसको 15% का लाभ होगा। इसमें कौन सा उत्तर आ रहा है, यानी आपका दूसरा विकल्प। यदि सही छह आदमी या आठ लड़के किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो तीन आदमी और पांच लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। अगर ये सवाल आप नहीं पढ़े हो वर्क एंड टाइम, तो उसका वीडियो आप जरूर जाकर देख लीजिए, ताकि इस तरह सवाल आप देखते ही मान उत्तर बता दो। अगर आप जरूर देख लिए वीडियो को, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप जैसे मैं सवाल बोला, आपके सामने क्वेश्चन आया, आप तुरंत उसको उड़ा दोगे, मतलब देखते ही मान कर लोगे। चलिए देखते हैं। क्या कह रहा है कि छः आदमी यानी मैन कितने हैं, छः है, और आठ लड़के बॉयज कितने हैं, आठ लड़के हैं। ठीक, ये इसकी ट्रिक है करने की, जो जितने भी हैं। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों का हम लासा निकाल लेंगे, तो लासा इसका 24 आ जाएगा। ठीक, छः और आठ का लासा निकाल लेंगे हम। इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, इसी से हम लासा में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आदमी निकल कर आया 4, यहाँ पर निकल कर आया 3, यानी एक दिन का इसका काम निकल कर आ गया। तो कह रहा है कि 18 दिन में तीन आदमी, सॉरी 18 दिन हम करते हैं, तीन आदमी पांच लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जो यहाँ आदमी निकल कर आया, इसी में जो तीन आदमी पूछ रहा है, उसके बाद जो औरत निकल कर आया, इसी में हम गुणा करके जोड़ लेंगे कितने, और पांच लड़के, सॉरी कह रहा हूँ औरत, बॉयज है। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है जो चार आदमी है और तीन आदमी पूछ रहा है, तो तीन से गुणा कर देंगे। यहाँ पर एक लड़का निकल कर आया, तो हम पांच लड़के को पूछ रहा है, पांच में गुणा करके दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 3 12 + 3 5 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 1 1 2, यानी 27 हो गया। कितना हो गया, 27। तो हमारा फार्मूला है दिन गुड़े लासा बटे कुल, जो ये कुल आदमी आया है यानी कुल व्यक्ति उसको लिखा जाएगा। ठीक है ना, दिन गुड़े लासा बटे कुल कार। तो कितना दिन दिया है इसमें, देखिए 18 दिन में करते हैं, 18 लिखेंगे, गुड़ा का चिन्ह लगाएंगे, लासा हमारा कितना है, 24 आया है, कुल व्यक्ति कितने आ गए, 27 बटे में कर देंगे। फिर समझिए, जितने व्यक्ति दिए रहे हैं उसको लिख लीजिए, छः आदमी आठ लड़के, छः आदमी आठ लड़के लिखे। इसके बाद इन दोनों का हम एलसीएम करेंगे, एलसीएम आया 24, तो यहाँ से हम निकालेंगे एक व्यक्ति का एक दिन का काम, तो 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, जितनी बार में उसको लिख देंगे। फिर पूछा क्या है कि तीन आदमी पांच लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तीन आदमी कह रहा है, तो चार आदमी पहले यहाँ निकला है एक दिन का काम, तो तीन से गुणा कर देंगे, 4 3 12 + यहाँ पर पांच लड़के, तीन लड़के पहले लिखिए और पांच लड़के पूछ रहा है, तो 5 से गुणा 3 5 15 दोनों को जोड़ लिए, 27। तो हमारा फार्मूला क्या चलता है, दिन गुणे लासा, जो दिन दिया उसको लिखेंगे, लासा लिखेंगे 24, और बटे जो कुल जोड़े हैं इसको लिख देंगे। अब इसको काटिए, जो काटेंगे उत्तर आएगा वही, 3 8 24 3 9 27, 9 1 9 9 9 2 18, 2 8 16, यानी कि उसको 16 दिनों में 27 व्यक्ति, तीन आदमी और पांच लड़के उस काम को 16 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगले सवाल। सवाल देखिए, कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1/1/2 गुनी है, और खेत का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमित क्या है, यानी परिमाप पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा लंबाई चौड़ाई से, मान लीजिए चौड़ाई यक्स है, तो लंबाई इसकी क्या होगी, 1/1/2 गुनी है, तो यक्स का 1/1/2 गुनी हो गई। क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 150, तो यहाँ हम 150 रखेंगे, सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यल इन टू बी, लंबाई कितना दे यक्स, चौड़ाई 2 * 2 = 3/2, यानी 3x/2 कर देंगे, तो 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए पहले काट दीजिए, 3 * 3 3 5 15, 3 * 0 0, तो इसे इधर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 100, और यक्स का और यक्स का गुणा करेंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यक्स बराबर इधर रूट लगेगा 100, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, यक्स बराबर क्या आ गया, 10। ये हमारा यक्स का मान निकल कर आया, यानी चौड़ाई 10 मीटर हो गई, और लंबाई क्या करेंगे, 10 * 2 = 2 1 3/2 2 2 * 2 2 5 10, यानी हमारी लंबाई आ गई 15 मीटर। ठीक, लंबाई 15 आ गई, चौड़ाई 10 आ गई, परिमित पूछा है, तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 लंबाई + चौड़ाई 2 * लंबाई + चौड़ाई। लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 15, तो 2 * 15 = 10 कितना होता है, 25,
गुणा करेंगे 25 दुना 50 मीटर। हमारा खेत का परिमाप कितना है? 50 मीटर। यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर।